इमरान खान की तकरीर एक बहुत बड़ा वाक्या है। ये दो वजूहात की बुनियाद पर ज़्यादा पुरअसर है, जादुई तासीर रखती है। पहली वजह यह है कि वह इस मगरब की तहजीब का हीरो रहा है। उसे यूरोप के नौजवान लड़के और लड़कियों ने दिहाइयों तक अपने दिल का शहजादा, हार्ट थ्रॉब बना रखा था। ऐसा शख्स जब मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का परचम उठाता है तो फिर मगरब सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनका यकीन ऐसी तमाम झूठी तहरीरों पर मुतजलजल हो जाता है और वो असल इस्लामी माखज़ की तरफ रजू करते हैं। दूसरी वजह यह है कि एक बहुत बड़े इस्लामी मुल्क और एटमी ताकत का मुंतखब वज़ीर आज़म है। उसकी आवाज़ पूरे आलम में गूंजती है और वो भी एक आलमी फोरम पर, तो फिर वो सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि 22 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा बन जाता है। ऐसा नुमाइंदा जिसे 1.5 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक और मेरे आका की नामूस के तहफ़ का शर्फ भी खुद ब खुद हासिल हो जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने रिवाइव किया है और इस तरह रिवाइव किया है कि तीसरे साल में जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमने ग्रोथ अचीव की है। और इस साल का जो बजट है उसके जुलाई के जो नंबर है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे अच्छा साल होगा। और इसकी बाकी अगर जो हम चीजें जो डिटेल में बताएं तो डिटेल सिर्फ ये है कि आपके मुल्क में पहले डिमांड होती भी थी तो आप सप्लाई पूरी नहीं कर पाते थे। लास्ट ईयर हमने एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होते हुए देखी और ये हर जगह पे एक्सपेंशन हम देख रहे हैं और उसके आदाद व शुमार अगर हम जुलाई के उठाते हैं तो उस चीज इंडिकेट करती है कि हाँ, आपके मुल्क में अब एक्सपोर्ट में काफी गुंजाइश थी और किसी हद तक उन्होंने उस एक्सपोर्ट को बढ़ाया, क्योंकि टेक्सटाइल के जो नंबर हैं जुलाई के वो बहुत ज्यादा हौसला अफजा नंबर हैं। और इस नंबर को अगर मैं सिर्फ टेक्सटाइल के नंबर को ले जाऊं, जो कि मुझे पता है आईटी में भी काफी ज्यादा ग्रोथ है, बाकी जगहों पे भी काफी काम हो रहा है, तो ये साल मुझे पाकिस्तान का अगर सर्विस सेक्टर और गुड्स को देखते हैं तो ये 40 से 42 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट होती हुई मुझे दिख रही है।